नमस्कार डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी इस वक्त मौजूद है मुंबई के कुर्ला में, कुर्ला पश्चिम में। यहाँ पर सर्वेश्वर मंदिर में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर मनराज प्रतिष्ठान और बाल गोपाल मित्र मंडल की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप का और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आइए हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर बाल गोपाल मित्र मंडल के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अभी अभी रक्तदान भी किया है, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज? यह हमारा जो मंडल है बाल गोपाल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, यह सर्वेश्वर मंदिर जो कुर्ला का सबसे प्राचीन मंदिर है उसके प्रांगण में पिछले 60 सालों से यह गणेशोत्सव किया जाता है। मंडल के सभी कार्यकर्ता इसमें धूमधाम से शामिल होते हैं और जो सामाजिक कार्य है, जो बाल गंगाधर तिलक का स्वप्न था कि गणेशोत्सव में सामाजिक कार्य होना चाहिए, जैसे कि रक्तदान शिविर हो, आरोग्य शिविर हो या बच्चों के लिए खेलकूद के कई सामने यहाँ पे होते हैं, जैसे कि बटाटा शरीयत हो, चमचा गोटी हो या अन्य तरह के स्पर्धाएं यहाँ पे मंडल के कार्यकर्ताओं के तरफ से आयोजित की जाती है। बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए यहाँ पे कार्य होता है और इस सब का श्रेय जाता है तो हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, देनगीदारों को और मंडल के जो अध्यक्ष है प्रवीण शिरगांवकर और जो ट्रस्टी है रवि कोचड़े सर हो, सावंत साहब हो, सबका बहुमूल्य मार्गदर्शन इस कार्य के लिए होता है। आज के शिविर में आपने रक्तदान किया है तो क्या कहना चाहेंगे आज के शिविर के बारे में? अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान किया और कितने लोगों ने लाभ लिया है कैंप का? ये मेरा खुद का 21वां रक्तदान था। मैंने आज तक ये 21वीं बार रक्तदान किया है और आज के पूरे शिविर में कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा लोगों ने आरोग्य चाचनी यहाँ पर की है और कम से कम 40 से 45 लोगों ने रक्तदान किया है और अब तक ये डोनर है वो आते ही रहते हैं, तो ये आंकड़ा हमारे ख्याल से 50 के ऊपर जाने की शक्यता है। अच्छा, तो आप बताइए कि क्या आपके बाल गोपाल मित्र मंडल की ओर से मतलब हर हफ्ते या फिर त्योहारों में रक्तदान का आयोजन किया जाता है, रक्तदान शिविर? हर साल किया जाता है। अभी ये साल हीरक महोत्सव है, बाल गोपाल सार्वजनिक मंडल का नाम है और तक्यावाड़ का राजा करके पेचन दे सब ये गणपति को, तो सर्वेश्वर मंदिर में बड़ा ये मतलब सबसे इधर जूना मंडल है, सब कुर्ला में सबसे जूना मंडल है। और रक्तदान शिविर और बाकी के भी सब आरोग्य शिविर स्पर्धाएँ लिए जाते हैं। ये साल हीरक महोत्सव के लिए ज़्यादा करके ज़्यादा स्पर्धाएँ और सार्वजनिक शिविर लिया है। इस तरह जो महोत्सव बोला, कौन सा महोत्सव है? हीरक महोत्सव। क्या क्या होता है हीरक महोत्सव? मतलब 60 साल पूरा हो गया है मंडल को और 60 साल पूरा होने के बाद अभी रक्तदान शिविर उधर मतलब अपना बाकी का आरोग्य शिविर रखा है, तो इसके वजह से हीरक महोत्सव के वजह से बाकी का स्पर्धा वगैरह रखते हैं। तो अभी स्पर्धाएं कभी आयोजित करने वाले, ये स्पर्धाओं के बारे में क्या बताएं? स्पर्धाएं देखा जाए मैडम तो स्पर्धाएं चालू ही है। हाँ, हर दिन शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पर्धाएं चालू रहती है। यही मंडल के सामने ही मंदिर के प्रांगण में ही स्पर्धाएं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्धाएं बच्चों के लिए होती है, युवाओं के लिए होती है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। अच्छा, कौन कौन सी स्पर्धाएं होती है बस एक बार वो बताएं? आज तक जापानी कुश्ती हो या बटाटा शरीयत हो, चमचा गोटी हो, चित्रकला स्पर्धा हो, हस्तलेखन स्पर्धा हो, ऐसे विविध स्पर्धाएं होती रहे। आगे जाके महिलाओं के लिए भी कुछ प्रोत्साहित कार्यक्रम रखने का मंडल का सुझाव है। जी, आप लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम था मेरा ये ब्लड डोनेशन। बाल गोपाल सार्वजनिक गणेशोत्सव मित्र मंडल की ओर से जितने भी ब्लड डोनेशन किए थे उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। आभार इनके लिए भी कर दें मनराज प्रतिष्ठान का कि उन्होंने हमारे विनंती को मान दे के उनका कैंप रखा आज सुबह से। अभी 10 बजे से लेके हम लोग ने अभी आरोग्य शिविर का आयोजन किया था और ब्लड कैंप का आयोजन किया था। अभी आरोग्य शिविर में जैसे प्रनील जी ने बोला, 100+ लोगों ने आके यहाँ पे जो जांच की, चश्मा का था अपना, चश्मा का उन्होंने लाभ उठाया यहाँ पे रक्तदान करके। रक्तदान जो रक्तदान ही श्रेष्ठ दान होता है वो जब सबने किया तो मंडल की तरफ से हम उनका शुक्र अदा गुजार करते हैं। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि हीरक महोत्सव ही वर्ष है, मतलब हमारा 60वां साल था तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। लास्ट 2 साल से कोरोना की वजह से हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो अपना सन है वो एकदम प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो अभी ये साल में 60वां साल होने के कारण हमको ये मौका भी मिला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर से
एक्सप्लोर कर सके। अभी यहाँ पे बच्चों के लिए शरीयत है अभी जो 31, 1, 2, 3 और आज 4 तारीख है, तो रोज़ हमारे ओर से स्पर्धा ही चालू रहती है। आज भी संगीत कुर्जी का आयोजन है, बाकी बच्चे लोग के लिए स्पर्धा का आयोजन है। अभी धीरे धीरे महिलाओं के लिए हम हल्दियों को समारंभ रख रहे हैं और एक ये अपना होम मिनिस्टर भी रखना है, चालू है। 8 तारीख को हमारी पूजा है, पूजा में धूमधाम रहेगा और 9 तारीख को गणपति का विसर्जन रहेगा। ये तो अपना शेड्यूल है, इस बीच में हम और क्या कार्यक्रम ले सकते हैं उसका भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे जैसे हमारा डिसाइड होता है हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं या फिर एक बोर्ड पे डाल देते हैं, उसके हिसाब से अपन 6:30 बजे से अपने जो कार्यक्रम है चालू रहते हैं। गणपति की आरती 8 बजे होती है, 8 बजे हमारा टाइमिंग फिक्स है, 8 बजे आरती होने के बाद जो कार्यक्रम है वो चलते जाते हैं। गणपति बप्पा टक्केवाडीच्या राजाचा जय असो, हर हर महादेव, शिव शिव शंभो, सर्वेश्वर महाराज की जय। तो सुना आपने, हमने बातचीत की यहाँ पर बाल गोपाल मित्र मंडल से और मनराज प्रतिष्ठान, इन दोनों की ओर से आज यहाँ पे मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था और मनराज प्रतिष्ठान का ये 250वां मेडिकल कैंप था और इसमें करीब करीब ये इनकी ओर से 100 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अभी तक लाभ ले लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।